और अब बात डिजिटल बाल मेला 2021 के सीजन 2 की। फ्यूचर सोसाइटी, LIC और IDBI बैंक की ओर से इस बाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल में डिजिटल बाल मेले का ये मंच बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि बच्चों को बाल मेले के मंच पर रोज नई नई हस्तियों से बात करने का मौका मिल रहा है। इस कड़ी में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बच्चों से संवाद किया। इस दौरान बाड़मेर के जोगाराम ने कहा कि होनहार बच्चों को सरकार ने लैपटॉप देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक लैपटॉप मिले नहीं हैं। इस पर राठौड़ ने कहा कि वे बच्चों के इस सवाल को विधानसभा के मॉनसून सत्र में उठाएंगे। जोधपुर के सरकारी स्कूल के सतनाराम चौधरी ने स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत की। इस पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि वे इस समस्या का हल निकलवाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले राजेंद्र राठौड़ ने बच्चों की सरकार कैसी हो विषय पर भी बच्चों से बात की। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने बच्चों को अपने राजनीतिक करियर और अनुभवों के बारे में बताया, साथ ही बच्चों के हर एक सवाल का जवाब भी दिया। सर, मेरा प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकार पिछले 3 वर्षों से होनहार विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण नहीं कर रही है, जिसमें कक्षा 8वीं का लैपटॉप अभी तक मेरा भी बाकी है। क्या आप आने वाले मानसून सत्र में सदन में मेरा यह प्रश्न उठाएंगे? निश्चित तौर पर जोगाराम, तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया। तुम्हारे जैसे जागरूक बच्चे होंगे तभी तो सरकार की नीतियां अगर खराब होगी, सरकार अपने की गई घोषणा से मुकरेगी तो सरकार का ध्यान आकर्षित होगा। डिजिटल बाल मेला के माध्यम से आज सैकड़ों बच्चों से वार्तालाप और साक्षात्कार करने का मौका मिला। मैं बधाई देना चाहूंगा आयोजनों को, और मैं समझता हूं कि आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों के जो सवाल थे, बच्चे समाज के हर पहलू को देख रहे हैं। हर राजनीतिक घटनाओं से हमारे बच्चे अनभिज्ञ नहीं थे, विज्ञ थे, और हर उस वो चिंता जो आज समाज की चिंता बनी हुई है। एक बच्चे ने सवाल किया कानून व्यवस्था को लेकर, एक बच्चे ने सवाल किया विधानसभा की कार्रवाई को लेकर, एक बच्चे ने सवाल किया स्कूल मैदान में अतिक्रमण को लेकर। तो मैं समझता हूं कि इन सारे सवालों को समग्र रूप से जब मैं देखता हूं तो निश्चित तौर पर एक अनोखा अनूठा अनुभव हुआ, और मैं ये समझता हूं कि आज सिर्फ मैंने ही बच्चों का मार्गदर्शन नहीं किया, कई सवालों ने मेरा मार्गदर्शन किया।